सो हेलो माय डियर लवली एएनएम के छात्रों, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार, फार्मासिस्ट फ्रॉम जीपीआई पटना, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आपने थंबनेल सही देखा है, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका एएनएम का जो वैकेंसी, आपका 10709 का एग्जाम हुआ था आपका जनवरी के स्टार्टिंग में, अब उसका रिजल्ट कब तक आएगा। सो, आप लोगों को पता ही होगा कि उस पर एक केस चल रहा है, जो केस नंबर है CWJC नंबर 14755/2023 का। ये केस है अर्चना कुमारी बनाम आपका एएनएम का जो बिहार सरकार का है, ठीक है। इस केस का आपका पहला तारीख था 15 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उसमें आपको कहा गया था कि 22 तारीख को नेक्स्ट हेयरिंग है, और जब तक इस केस का आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, निर्णय नहीं, ऑर्डर पास कर देता है गवर्नमेंट आपका हाईकोर्ट सॉरी, तब तक आपका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा। यानी मेरिट लिस्ट जो आता है, रिजल्ट आपका तो जो है वो है, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो फाइनल जिस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो मेरिट लिस्ट अभी होल्ड पे रहेगा जब तक इस केस का आपका पूरा क्लियर जजमेंट नहीं आ जाता। तो 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को 10:30 बजे टाइमिंग है इसका, केस का आपका सुनवाई का नेक्स्ट हेयरिंग है, ठीक है। 15 तारीख को पहला हुआ था और 22 जनवरी का है, ठीक है, अर्चना कुमारी बनाम आपका बिहार राज्य सरकार, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ था ये, ठीक है, एएनएम के संबंध में। तो ये जब तक आपका क्लियर नहीं हुआ केस, तो कल आपका 22 तारीख है। आपको जैसे ही अपडेट आएगा इस क्या हुआ, तो आपको मैं सबसे पहले इस चैनल पे माध्यम से आपको बताऊंगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। और रिजल्ट आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह तो सब चल ही रही है, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट अभी होल्ड पे रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये केस जैसे ही आपका क्लियर होगा, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एएनएम के लिए क्या रिजल्ट आता है उसी के बेस पे फिर आगे का काम डीएससी आपका करेगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कल जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, तो आप बने रहिए चैनल पे, ठीक है। और आप खुद भी देख सकते हो, इस केस नंबर से आप सर्च कर सकते हो ऑफिशियल जाके, हाईकोर्ट वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा सा लेट जारी किया जाता है जैसे, तो वो एक दिन लग जाता है।